पानी में उपद्रवकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। जी हाँ, सीएम ने मामले की हाई लेवल बैठक की है और दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा की है और इसी के बाद गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने वहां पर लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। दंगाइयों से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं पुलिस को। डीएम ने वन भूलपुरा ये जगह है वहाँ की, जहाँ का पूरा मामला है, जहाँ पर एक थाने के अंदर आग लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है 100 सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोग जो है वो घायल हैं और 500 से 600 ये लोग गए थे और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कुछ फंसे हुए भी हैं। हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए। लेकिन आप देखिए कितनी एक अवैध मजार और मस्जिद को गिराने के लिए गए थे। ये वही इलाका है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 50,000 की आबादी है, यहां पर 50,000 जो है मुसलमान लोग रहते हैं और यहाँ पर इस मानवीय पक्ष को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अवैध मजार और अवैध मस्जिद जब तोड़ दे गए तब उसके बाद यहाँ पर आगजनी हुई है थाने के अंदर। जीनी।